सतना में सीएम कमलनाथ ने कहा 21 लाख किसानों का कर्ज हमने माफ किया। हमें भ्रष्टाचार में नंबर वन, किसानों की हत्या में नंबर वन, बेरोजगारी में नंबर वन प्रदेश मिला। पूरा खजाना खाली था। बहुत खुशी हुई सतना आकर। सांसद में मेरे साथी थे सुखलाल। मैं जवानी में सतना में आया करता था। तब के सतना और आज के सतना में कितना अंतर है। 15 साल में बीजेपी प्रदेश को कहा घसीट कर ले गए। 15 साल घोषणा की सरकार, 17,500 घोषणाएं हमें एक ऐसा प्रदेश सौंपा। किसानों की आत्महत्या में, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ बलात्कार में नंबर वन रहा। कृषि में हमने वादा किया था, हमने 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। ये आलोचना करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की है। पिछले 15 साल क्या निवेश आए, जितने लगे नहीं उतने बंद हो गए। कमलनाथ, हम मध्य प्रदेश में रोजगार का इतिहास बनाएंगे। बात रही खाली तिजोरी की, हम तो गवर्नमेंट चला सकते हैं। तस्वीर भी अपने सामने रख लीजिए, हर घंटे मोदी जी टीवी में आते हैं। विवेक जी, नीलांश आप हिंदू है, आप सबूत नहीं दे पाएंगे आप हिंदू हैं। नागरिकता कानून, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल। किसानों के चेहरे में निराशा है। सीएम कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगा जवाब की, बताए भी स्वतंत्रता संग्राम से नानी उनकी पार्टी में है। सतना से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। ने शासन चलाया 15 साल। हमारे मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि मध्य प्रदेश को काम घसीट मिले गए। हमारे तो अभी साल भर हुआ है, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव में आचार संहिता में चले गए, लगभग 10 महीने बचे। पर 10 महीनों में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय देने का प्रयास किया। 15 साल आप मध्य प्रदेश का कोई भी जिला देखें, किस प्रकार के हमारे नौजवान हों, किसान हों, हमारे व्यापारी हों, उपेक्षित हैं। परिवर्तन कर किया, कोई कमीशन खोरी ना कर पाए, कोई भ्रष्टाचार ना कर पाए, इसलिए ये किया कि उस कन्या के खाते में सीधे 48,000 रुपये डाले, सीधे 48,000 रुपये, ताकि वो अपने छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सके, अपना जीवन संवार सके। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये होता था कि 3,000 तक के बर्तन से लेके 6,000 के गिन दिए जाते थे, और तौर पलंग से लेके कपड़े लगते सब मिला के, और पायल बिछिया तक जो चांदी की होना चाहिए गलत की दे देते थे। स्थिति ये बनती थी 28,000 की तिफरी हो जाती थी। ये रिश्ते निभाए हैं, बहनों से भी निभाए हैं, बच्चों से भी निभाए हैं, और नौजवानों से भी निभाए हैं। मैं आज के समय पे ये कहना चाहता हूँ कि निकम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। आज निवेश भी आता अपने देश में, नौजवान पूरे देश भर में बनेगा। आज किसान का भविष्य, किसान के चेहरों में निराशा है, और मोदी जी इसकी बात नहीं करेंगे। बताया आपके सपना में, बताया आपके मध्य प्रदेश में कि हमारी ये नीतियां नौजवानों की हैं।
पर अभी बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, जगह जगह जो नेता घूम रहे हैं, नागरिकता की बात, नागरिकता की बात करने, तरह तरह के कानून बनाएंगे ताकि जनता का ध्यान मुड़े। तब पाठ पढ़ाने लग जाएंगे, पाठ पढ़ाने लग जाएंगे राष्ट्रवाद का। मोदी जी, आप राष्ट्रवाद का पाठ कांग्रेस को पढ़ाने आए हैं? मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, आप एक नाम बता दीजिए, इस सत्ता की जनता को एक नाम बता दीजिए जो आपके पार्टी में स्वतंत्र संग्रामी सेनानी रहा हुआ हो। एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं है। और ये पाठ पढ़ाएंगे कांग्रेस को राष्ट्रवाद, ये उनकी कलाकारी की राजनीति, वो आपको पहचानना है।